बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव दुनिया के साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि मस्जिद अल हरम यानी कि काबा शरीफ बोल रही खाना काबा में बहुत से हाल ही में बाई चेंजिंग की जा रही है कामों को लेकर। अच्छा, इसका मुतल्लक क्या है जी? हज सीजन आने वाला है, आप भाई को पता है, इस साल इंशाल्लाह ताला बाहर से हाजी भी आएंगे, लेकिन बहुत से कंट्रीज मैंने सुना है जिसके मुतल्लक अपने हाजियों को आने से मना कर रखे हैं इस वायरस के चलते हुए। अच्छा, बात कर लेते हैं न्यूज के मुतल्लक। मैंने हाल ही में जब उमरा किया था तो मैंने देखा था सफा मरवा में भाई इलेक्ट्रॉनिक चेयर रख दी गई है, उनके लिए मखसूस एक जगह बना दी गई है। जो बुजुर्ग अफराद हैं या जिनका वजन ज्यादा है या बिल्कुल थके हुए जो बंदे हैं, वो भाई इलेक्ट्रॉनिक वो चेयर परचेस कर सकते हैं और उसके ऊपर बैठकर आराम से भाई सफा मरवा के 7 चक्कर पूरे कर सकते हैं। और अभी आपको इससे पहले मैं ये बता दूं, जो क्लीन वगैरह दोबारा से बिछा दिए गए थे मस्जिद अल हरम में, तो उनके ऊपर बकायदा भाई जो बल्दिया वाले जो अफराद होते हैं, पाकिस्तानी इंडियन भाई मेरे होते हैं, बंगाली भाई, वो स्प्रे वगैरह वक्तन फवक्तन करते रहते थे जरासीम कुश। अभी 10 रोबोट भी रख दिए गए हैं खाना काबा की हदूद में, यानी कि मस्जिद अल हरम के अंदर ही। अच्छा, इनमें भाई 23.8 लीटर इनमें एक टाइम में ऐसा मवाद आप डाल सकते हैं जो जरासीम कुछ ये स्प्रे करते हैं, और उसके अलावा 600 मरबा मीटर के भाई अराउंड में एक रोबोट काम करेगा। 600 मरबा मीटर काफी एरिया बन जाता है, उसके अराउंड में ये भाई वो जरासीम मवाद वो स्प्रे भाई अपने से खर्च करेगा, फेंकेगा, यानी कि जरासीम कुछ उसे बोल रहे हैं आप। बंदों को भाई सहूलियात के लिए मजीद इजाफा कर दिया गया है। आप अगर मजीद हाल ही में उम्रे पर जाते हैं तो आप भाई इसके मतलब कोई भी वीडियो देखें, कोई क्लिप देखें या वहां पर आप लाइव देखें, मुझे भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।